हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों, आप देख सकते हो आज मैं करने वाला हूँ हाईलाइट और ग्लोबल एक साथ में, और आप देख सकते हो कितना रफ टेक्सचर है। ऑलरेडी पहले हाईलाइट हो चुके हैं, तो उसे निकालने के लिए हमें ग्लोबल भी करना पड़ेगा, विथ हाईलाइट करने पड़ेंगे। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। जो लोग नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जिसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं 12.35 नंबर का मैट्रिक्स का हेयर कलर, और उसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे 30 वॉल्यूम। मिक्सिंग रेशियो सिंपल है, 1:1.5। मतलब अगर पूरी आप 90 ml की ट्यूब लेते हो तो 135 ml आपको लेना पड़ेगा डेवलपर, और वो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं 30 वॉल्यूम का डेवलपर। और वो मिक्स करके हम लोग करेंगे फॉइल एप्लीकेशन। तो जो साइड वाला पार्ट है ईयर टू ईयर, यहाँ पर हम लोग टोटल 4 फॉइल अप्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हो साइड में 4, उसके बाद बैक में हम लोग कर रहे हैं। तो टोटल हम लोग इनके हेयर्स के ऊपर कम से कम 18 से 20 फॉइल्स लगाने वाले हैं, और जितने भी बचा हुआ हेयर है जैसे स्कैल्प टू लेंथ, हम लोग वहाँ पे करेंगे ग्लोबल हेयर कलर। वो कौन सा रहेगा वो आगे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं बालों के ऊपर प्रॉपर तरीके से हाईलाइट स्मॉल वीव करके क्लासिक हाईलाइट्स हम लोग कर रहे हैं। तो क्लासिक हाईलाइट आपको छोटे छोटे सेक्शन लेके प्रॉपर तरीके से एक एक सेक्शन में लगाने हैं आप लोगों को। तो आप लोग जब भी ये करते हो तो बहुत नीट वर्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉइल्स नहीं लगा पाते हो तो कहीं पे मोटा सेक्शन लगेगा, कहीं पे पतला लगेगा, और वो होने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जब भी ये चीज़ करते हो तो ये चीज़ ध्यान देना है कि छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल वीव आपके होने चाहिए। तो वीविंग टेक्निक हम लोग कर रहे हैं पूरे बालों के ऊपर। वीविंग टेक्निक से हम ये प्रॉपर जो हाईलाइट है वो करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम ये जो भी हाईलाइट कर रहे हैं, इनके जो हेयर है ये वर्जिन है, मतलब ऑलरेडी थोड़ा बहुत कलर था बाकी इनके बालों में, जैसे मेहंदी, हीना, डाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग डायरेक्टली कलर अप्लाई कर रहे हैं। अगर इसमें हीना या कुछ कोटिंग होती हेयर में तो हम लोग 100% बालों को ब्लीच करते थे, यानी प्री लाइटनर हम यूज़ करते थे, बट ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, हम लोग डायरेक्टली कलर कर रहे हैं। अभी हमारा ऑलमोस्ट आगे का पार्ट हो चुका है, हम लोग पीछे के सेक्शन में ये कर रहे हैं। छोटे छोटे सेक्शन लगा के एक जन पीछे से एक जन आगे से लगा रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और टाइम के चलते कुछ कुछ जगह आपका जो प्रोसेस है वो हो जाता है। तो हमारे हाईलाइट लगने के बाद हम लोग मैट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं 5.8 कलर, मतलब मोका का रिफ्लेक्ट है, 5 नंबर मतलब लाइट ब्राउन, और 0.8 का मतलब है मोका। तो मोका का रिफ्लेक्ट हम लोग देंगे, और उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं 20 वॉल्यूम लॉरियल का। तो आपके पास मैट्रिक्स का हो, लॉरियल का हो, कोई बात नहीं, बस हम लोग 20 वॉल्यूम यूज़ करेंगे। और देखो आप, रूट टू एंड पूरे बालों के ऊपर हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ग्रे का भी इशू था उनको, तो उससे ग्रे भी कवर हो जाएंगे, और हमें जो रिफ्लेक्ट चाहिए मोका का तो वो आपको मिल जाएगा। हम लोग हाईलाइट भी थोड़े गोल्ड शेड में कर रहे हैं, और उसके साथ मोका पूरे बालों के ऊपर कर रहे हैं, तो जिससे हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो। तो आप देख सकते हो एक एक सेक्शन प्रॉपर निकालना है आपको, और वैसे ही एप्लीकेशन करना है धीरे धीरे, हम जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों का एप्लीकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए इसमें। अगर आप परफेक्शन नहीं है तो आप पहले पूरा ग्लोबल करके लो, और उसके बाद फॉइल्स लगा सकते हो आप, बट हम लोग साथ में ये लगा रहे हैं। अगर आप साथ में भी लगा सकते हो, या फिर आप पहले ग्लोबल करके लगाओ अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो प्रॉपर एप्लीकेशन हो चुका है, अभी आपको मैं इनका रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। उसके पहले हम लोग वॉश करते हैं, शैम्पू कंडीशनिंग के बाद हम लोगों ने पूरे बालों के ऊपर ड्राई ब्लो ड्राई किया, अच्छे से आउटवर्ड ब्लो ड्राई कर रहा हूँ। जो ड्रायर यूज़ कर रहा हूँ वो डाइसन कंपनी का है, और जो ब्रश यूज़ कर रहा हूँ वो मिस्टर बार्बर का है। तो आप ये ब्रश और ड्रायर तो नहीं बोल सकता हूँ, बट आप मिस्टर बार्बर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ड्रायर आते हैं, आइकॉनिक के आते हैं, वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, और एक अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हो आपके क्लाइंट को। तो आप देख सकते हो मैं बिल्कुल भी जस्ट ब्रश के साथ ही आउटवर्ड कर रहा हूँ, जस्ट एक शेप दे रहा हूँ उनके हेयर के ऊपर, वॉल्यूम दे रहा हूँ, ना कि कोई दूसरी स्टाइलिंग यूज़ कर रहा हूँ। और आप हाईलाइट भी देख सकते हो प्रॉपर तरीके से स्मॉल स्मॉल वीव करके हमने जो किए हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप इस तरीके से आपके क्लाइंट्स के अच्छा ब्लो ड्राई दे सकते हो। तो दोस्तों, ये है इनका फाइनल रिज़ल्ट, आप देख सकते हो। तो प्रॉपर मोका का रिफ्लेक्ट, और उसके साथ हमने जो 12 सीरीज़ मैट्रिक्स का कलर चूज़ किया था वो हम लोग ने कर लिया है, और कितना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है आप देख सकते हो। अगर इसका हेयर कट का भी वीडियो आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, तो इसके लिए मैं वीडियो भी डाल दूँगा या नया बनाऊँगा आप लोगों के लिए इस हेयर कट का वीडियो।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को, और ऐसे ही सपोर्ट करना जैसे आप रेगुलर करते हो मुझे। और रिज़ल्ट आप देखो तो आप भी ये शेड करके बहुत अच्छा रिज़ल्ट अपने क्लाइंट को दे सकते हो और एक अच्छा लुक पा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। जिनको एकेडमी ज्वाइन करनी है उनका भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ भी जाके क्लास के डिटेल्स निकलवा सकते हो कि आपको कौन सा क्लास करना है, क्या क्या क्लासेस में होता है, सारी चीज़ें हम लोग उसमें बताएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी